नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। ग्रेटर जिम वर्चुअल की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको लाइव जो स्पॉट कवरेज है वो दिखाने की कोशिश करें, जो भी जम्मू शहर में हो रहा है। और इस समय मैं प्रेस क्लब के बाहर हूं और यहां पे आज कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि मैं इससे पहले कि इस लाइव को शुरू करूं और क्या डिटेल है वो आपके समक्ष रखूं, आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि कश्मीरी पंडित समुदाय जो 1990s में वहां से कश्मीर से उनको मजबूरी में पलायन करके जम्मू और हिंदुस्तान के अलग हिस्सों में जाना पड़ा, उनकी आवाज जो है वो एक एक जन तक पहुंचे। इस समय मैं प्रेस क्लब के बाहर हूं। यहां पे यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, जिसमें महिलाएं भी हैं, वो आज धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं और कुछ डिमांड जो है वो रख रहे हैं। जैसे तरीके से इनके हाथों में हम प्ले कार्ड देख रहे हैं, उन प्ले कार्ड में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। आई एम कश्मीरी पंडित, आई लव माई आइडेंटिटी। कश्मीरी पंडित यूथ सोल इन एग्जाइल, आखिर कब तक? जाने कि 1990 के बाद जो है वो जिस तरीके से कश्मीर से उनको मजबूरी में बाहर आना पड़ा और जम्मू और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के अलग हिस्सों में रहना पड़ा, तो वो वहां पे उस पे सवाल कर रहे हैं कि कब तक वो जो है वो बाहर रहेंगे। वी आर रिफ्यूजी इन अवर ओन कंट्री, तो अपने ही मुल्क में हम रिफ्यूजीज हैं। ये छोटा सा नन्ना सा बच्चा जो है वो आज ये सवाल कर रहा है और बात कह रहा है। इन सारी चीजों के ऊपर ही ये सारी चीजें आज धरना प्रदर्शन जो है जहाँ पे किया जा रहा है, आप देखें किस तरीके से जहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम जहाँ बातचीत नारायणी जी जहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। यहाँ नारेबाजी यहाँ पे होती हुई, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। माइनॉरिटीज को टारगेट करना, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, कश्मीर के फेवर में नारेबाजी होते ही यहाँ पे यूथ ऑल इंडिया कश्मीर समाज की तरफ से देखिए, आज जो दोबारा आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडितों की तरफ से जम्मू के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा है, ये उन सिलेक्टेड किलिंग्स के अगेंस्ट है जो कश्मीर में दोबारा माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और 1990 की परिस्थितियों को दोबारा वहां पे कायम करना चाहते हैं। ऐसा कतई मंजूर नहीं होगा। भारत सरकार को इसका संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, कुछ हार्ड स्टेप्स लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। जब तक आप पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। 32 साल से हम देखते आ रहे हैं कि कैसा नरसंहार हो रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, नेशनलिस्ट फोर्सेस के ऊपर। और कल जो उन्होंने किलिंग करना कोशिश की हमारे एक माइनॉरिटी भाई को, बालकृष्ण को, ये साफ दर्शाता है कि ये खौफ दोबारा पैदा करना चाहते हैं ताकि पंडित कम्युनिटी दोबारा कश्मीर वैली के अंदर न बसे। आज भारत सरकार को एक कॉम्प्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन स्कीम की घोषणा करनी चाहिए और उस स्कीम को पंडितों के साथ डिस्कस करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता कश्मीर वैली के अंदर जिंदा जैसे आ रहा है, उसको जिंदा रखने के लिए पहले आपको कश्मीरी पंडित को जिंदा रखना पड़ेगा। 3 दिवसीय नवरेह महोत्सव मनाया गया, संकल्प दिवस वाले दिन लास्ट जो है शौर्य दिवस वाले दिन जो है मोहन भागवत जी द्वारा ये संकल्प भी करवाया गया है कि आपको जो अगला नवरेह महोत्सव जो है कश्मीर के अंदर मनाएंगे, किस तरीके से? देखिए, जब भी भारत सरकार में या भारत सरकार के बाहर कोई भी कश्मीरी पंडित की वापसी की बात करते हैं तो अंजाम में कम से कम एक की किलिंग होती आ रही है। पिछले कुछ दिनों से जो कश्मीर के हालात दोबारा बिगड़ जा रहे हैं, वो इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप नवरेह सेलिब्रेट कर रहे हैं कश्मीर वैली के अंदर और कुछ नेतागण आपको वापसी की बात करते हैं, जवाब में हम आपको ये देंगे। लेकिन अब इन चीजों से कश्मीरी पंडित नौजवान डरने वाला नहीं है। हम कश्मीर वापस जाएंगे और कश्मीर में हिंदुस्तान को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी पंडित नेशनलिस्ट फोर्सेस को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर इस बार मोदी जी आपसे चूक हो गई, आप इसको संभाल नहीं पाए, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में आप नाकाम रहे,
ये दोबारा हम सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस टाइम पूरा हिंदुस्तान और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आपके मिशन के साथ है। आप मिशन को आगे ले चलिए, हम आपके साथ हैं और इन ताकतों को हम हराते रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप मिनोरिटी के टारगेट की किलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन तरुण चुग का ये कहना है कि भाजपा सरकार के तहत जो है मिलिटेंट अटैक कम हुए हैं और जो मिलिटेंट की लाइफ स्पैन है वो भी कम हुई है। देखिए, एक चीज तो साफ दर्शाता है जो कश्मीर में सिलेक्टेड किलिंग्स हो रही है, इस बात से साफ दर्शाता है कि बौखलाहट के अंदर कुछ ऐसी चीजें की जाती है। नहीं तो कल जो बालकृष्ण को मारना, ये साफ दर्शाता है कि एक माइनॉरिटी जिसको वहां के लोग रेस्पेक्ट देते हैं, जो दवाइयां देके उन लोगों की हर कोई फरमाइश पूरी करते हैं, उसको मारने से ये कोशिश करते हैं कि हम इनको डराएंगे, ये भगाएंगे। ये बौखलाहट का एक हिस्सा है। कश्मीर के अंदर 3 साल से काफी उग्रवादियों को खत्म किया गया, ये हम बात मानते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित की रिहैबिलिटेशन के ऊपर अभी एक कदम भी मोदी जी ने आगे नहीं बढ़ाया डायरेक्ट एक्शन में। हम चाहते हैं, क्या वो समय आ गया? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और ये जो अभी बचा खुचा नौजवानों का लॉट कश्मीरी पंडित के अंदर है, जो ये भावना जाहिर करते हैं कि हम कश्मीर वाली वापस जाएंगे, अगर इसमें फिर विलंब हुआ, अगर इसमें आपने समय ज्यादा लगाया, कहीं ये सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी भी हमारे हाथ से न चला जाए। आपने माइनॉरिटी स्टेटस का जहां पे जिक्र किया, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 2018 का ऑर्डर है कि माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए, सरकार नहीं दे रही। सरकार को माइनॉरिटी स्टेटस देना कश्मीरी पंडितों की आने वाले समय में मजबूरी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि देना चाहिए, 100% देना चाहिए। नहीं देंगे तो ये अपनी जो इन्होंने मेहनत कश्मीर के ऊपर पिछले 4 साल 10 साल से की, वो मेहनत उसे वेस्ट हो जाएगी। इनको चाहिए माइनॉरिटी स्टेटस दे दे, ताकि उनको ताकत उनको जवाब मिले कि माइनॉरिटीज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तभी आपका कश्मीर भी प्रोटेक्ट रहेगा। माइनॉरिटी का स्टेटस जो है वो सरकार को देना चाहिए, और ताकि वे फोर्सेज जो माइनॉरिटी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं उनको ये जवाब मिले कि माइनॉरिटी को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कहना था प्रेसिडेंट जो है यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के। मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से पिछले 3 दिन से कश्मीर के अंदर सिलेक्टेड और टारगेट किलिंग और टारगेट्स किए जा रहे हैं वहां के सिविलियंस को, उसके मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से कल एक कश्मीरी पंडित के ऊपर वहां पे हमला हुआ, उसके मद्देनजर रखते हुए ही आज ये धरना प्रदर्शन है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहे ग्रेट जंप वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।